का जो साइंस का पोर्शन था वो चल रहा था, उसके अंदर अपन सेल यानी कोशिका वाला चैप्टर चल रहा था। अब देखो सेल कोशिका में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था, अपन ने अब पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया यदि अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो यह दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत होता है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत होता है, उसकी बाहरी झिल्ली सपाट व अधिक छिद्रित होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली स्थान स्थान पर वलयित होकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली अधिक वलित होकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये हो गई बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। नंबर दो आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। फिर देखिए आंतरिक झिल्ली स्थान स्थान पर वलित होकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। अब देखिए क्रिस्टी पर रैकेट के समान सवृत्त गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अपन ऑक्सीसोम कहते हैं। ये प्रत्येक क्रिस्टी पर सवृत्त गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें अपन बोलते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सी सोम। इसमें द्रव्य भरा रहता है, जिसे अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए। ये एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो संरचना है वह हो गई। अब इसके अंदर जो मुख्य मुख्य बातें अपन देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह दोहरी झिल्ली द्वारा आवरित होता है, दोहरी झिल्ली द्वारा आवरित। इसके अलावा इसमें 70S राइबोसोम व वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम व वृत्ताकार डीएनए। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, यह जंतु कोशिका में अधिक व पादप कोशिका में कम पाया जाता है। जो जंतु कोशिका होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक व पादप कोशिका में कम पाया जाता है। कम पाया जाता है। अब देखिए जो आंतरिक झिल्ली है वह स्थान स्थान पर वलित होकर के क्रिस्टी का निर्माण करती है, आंतरिक झिल्ली झिल्ली स्थान स्थान पर वलित होकर के स्थान स्थान पर वलित होकर क्रिस्टी का निर्माण करती हैं, और इस क्रिस्टी पर सवृत्त गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं। वलित होकर के क्रिस्टी का निर्माण करती हैं। और क्रिस्टी पर सवृत्त गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, क्रिस्टी पर
सवृंत गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं कृष्टि पर, सवृंत गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। सवृंत गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, जिन्हें अपन ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। अब देखिए इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अपन को माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य है वो अपन को ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर कोशिकांग उपस्थित होता है, अतः इसे कोशिका में कोशिका के समान कोशिकांग भी कहते हैं। कार्य के अलावा अपन देखें तो इसे अपन कोशिका में कोशिका के समान कोशिकांग कहते हैं, इसे कोशिका में कोशिका समान, कोशिका के समान कोशिकांग, कोशिकांग भी कहते हैं, कोशिका में कोशिका के समान कोशिकांग। अब देखो इसके अलावा जो इसके कार्य हैं उन पर अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है कोशिकीय श्वसन। अपन बात करें कार्य की तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य जो कार्य होता है कोशिकीय श्वसन, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका के अंदर श्वसन का स्थल होता है, कोशिकीय श्वसन का स्थल होता है। और अपन माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है, यानी यदि आपसे पूछा जाए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का निर्माण कहां होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो अपन के एग्जाम के लाइक है वो सारी हो चुकी है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली द्वारा आवरित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य तो आपको उनको ध्यान क्या रखना है, इसमें सिट्रस राइबोसोम और वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, अतः यह अपनी प्रतिकृति या फोटोकॉपी स्वयं बना सकता है। इस कारण इसे अपन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। और देखिए जंतु कोशिका में अधिक पाया जाता है, पादप कोशिका में कम पाया जाता है और आंतरिक झिल्ली स्थान स्थान पर वलित होकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कृष्टि कहते हैं। कृष्टि पर सवृंत गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। और यह कोशिका में कोशिका के समान कोशिकांग है, यदि आपसे पूछा जाए कोशिका में कोशिका के समान कोशिकांग है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा अभी अपन इसके बाद पढ़ेंगे लवक, वह भी कोशिका में कोशिका के समान कोशिकांग होता है। और यह कोशिका कोशिकीय श्वसन का स्थल है, यदि आपको पूछा जाए कोशिका में श्वसन कहां होता है तो अपन कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। फिर अपन बात करते हैं लवक या प्लास्टिड की। नेक्स्ट अपन बात करें प्लास्टिक या लवक। यह अपन इसे बोलते हैं प्लास्टिक या लवक। अब देखिए लवक की अपन संरचना देखें तो लवक की भी जो संरचना होती है वह दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत होती है। अब देखिए इसके अंदर विशेष संरचना पाई जाती है जिसे अपन ग्रेना कहते हैं और ग्रेना भी पतली पतली झिल्लियों से बनी एक संरचना होती है ग्रेना।
और ये पतली पतली एक झिल्लियों से बनी हुई संरचना होती है, यानी जो पतली झिल्लियों से बनी संरचना होती है उन्हें अपन थाइलिकोइड कहते हैं। थाइलिकोइड जो ग्रेना है वह सिक्कों के ढेर के समान एक संरचना है, और प्रत्येक सिक्का जो है वह क्या कहलाता है? थाइलिकोइड कहलाता है। और दो ग्रेना को जोड़ने वाली एक संरचना होती है जिन्हें अपन स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। स्ट्रोमा लेमिली दोहरी झिल्ली द्वारा आवरित संरचना है और अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसे ग्रेना, और प्रत्येक जो ग्रेना है वह थाइलिकोइड से बना हुआ होता है, और इसके अलावा जो इसका द्रव पदार्थ उसे अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अलावा इसमें भी सितरस राइबोसोम व वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार डीएनए अपन बात करते हैं लवक या प्लास्टिक की, तो ये इसकी संरचना हो गई। इसके अलावा अपन इसके अंदर मुख्य बातें देखें तो यह भी क्या है? दोहरी झिल्ली द्वारा आवरित संरचना है, झिल्ली द्वारा आवरित, और इसमें सिक्कों के ढेर के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन ग्रेना कहते हैं। सिक्कों के ढेर के समान संरचना जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक ग्रेना एक विशेष संरचना से बना होता है जिसे थाइलिकोइड कहते हैं। ग्रेना थाइली कोइड से बना होता है। अब देखो यह भी इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही सितरस राइबोसोम को वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। सितरस राइबोसोम व वृत्ताकार डीएनए, अतः यह अपनी प्रतिकृति या फोटोकॉपी स्वयं बना सकता है, अतः इसे अपन अर्ध स्वायत्त कोशिका इसे अपन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, और कोशिका में कोशिका प्रकार का भी कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के समान यह भी एक क्या है? कोशिका में कोशिका प्रकार का कोशिका में कोशिका प्रकार का कोशिकांग है। कोशिका प्रकार का कोशिकांग है। एक बार पुनः देख लेते हैं। प्लास्टिक या लवक ये दोहरी झिल्ली द्वारा आवरित होता है, और सिक्के के ढेर के समान इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे ग्रेना कहते हैं, और प्रत्येक ग्रेना किससे बना होता है? थाइलिकोइड से बना होता है, और सितरस राइबोसोम वो वृत्ताकार डीएनए इसमें पाया जाता है, और इसलिए अपन इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में कोशिका प्रकार का कोशिकांग कहलाता है। फिर अपन देखें तो जो लवक है वह मुख्यतः तो दो प्रकार का होता है। जो लवक है वह मुख्यतः तो दो प्रकार का होता है। लवक एक होता है अवर्णी लवक और दूसरा होता है वर्णी लवक। अब देखिए जो अवर्णी लवक है इसे अपन ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और
और जो वर्णी लवक है उसे अपन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट है वह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो अपन को ध्यान रखना है जो भूमिगत पादपों के जो भूमिगत भाग होते हैं, पादपों के भूमिगत भाग में और ये मुख्यतः इनका जो कार्य होता है वो भोजन का संचय का कार्य होता है, कार्य भोजन संचय का, भोजन संचय का कार्य होता है। फिर देखो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की अपन बात करें तो ये वर्णी लवक होते हैं, यानी कलर्ड, यानी इनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का। अपन मुख्यतः अपन देखें तो यह पत्तियों, यानी जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, पुष्पों व अन्य भागों में पाया जाता है। अब देखो मुख्यतः जो क्रोमोप्लास्ट है यदि इसके अंदर हरा वर्णक पाया जाए जिसे अपन पर्ण हरित कहते हैं, पर्ण हरित युक्त, हरित युक्त, पर्ण हरित युक्त क्रोमोप्लास्ट, उसे अपन हरित लवक कहते हैं। यदि क्रोमोप्लास्ट में पर्ण हरित, यानी जो हरा रंग के लिए उत्तरदायी होता है वह उपस्थित हो तो उसे अपन क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं जिसके कारण क्या होती है, जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं और पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। इस हरित लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। यानी जो लवक है वह मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यदि अपन ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये पादपों के भूमिगत भागों में पाया जाता है और इनका कार्य क्या होता है, भोजन के संचय का कार्य होता है। और अपन बात करें क्रोमोप्लास्ट की, यानी वर्णी लवक की, तो ये पत्तियों, पुष्पों व अन्य भागों में पाया जाता है। और पर्ण हरित युक्त जो क्रोमोप्लास्ट है उसे अपन हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या रिएक्शन होती है। ये हो गए मुख्य बातें जो लवक के बारे में थी या प्लास्टिक के बारे में थी। फिर अपन देखते हैं जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है उनके बारे में। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, सबसे पहले अपन बात करें एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की, तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग अपन सबसे पहले लेते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अपन अंत द्रव्य जालिका कहते हैं, अंत द्रव्य जालिका। अंत द्रव्य जालिका की अपन बात करें तो पोल्टर नामक वैज्ञानिक था, पोल्टर ने इसकी क्या की, खोज की। यह मुख्यतः तो जो कोशिका होती है, कोशिका में यह केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली के मध्य एक नेटवर्क के रूप में पाई जाती है, यानी एक जाल के समान यह पाई जाती है। यानी जो केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य एक जाल के रूप में पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य। झिल्ली के मध्य नेटवर्क के रूप में पाई जाती है। यदि अपन इसका कार्य देखें तो इसका मुख्य कार्य होता है
कोशिका कंकाल का निर्माण करना, कोशिका कंकाल का निर्माण, और इसके अलावा अपन बात करें तो यह कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करती है, अंतकोशिकीय परिवहन का कार्य भी करती है। फिर अपन देखें ईआर के प्रकार, तो ईआर दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी ईआर, रक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपन बात करें ईआर की, तो यह दो प्रकार की होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो अपन को ध्यान रखना है कि जो ईआर है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, और दूसरी होती है एस ई आर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, अब देखो जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है इन पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इन पर क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है उन पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित। अब देखो इस पर राइबोसोम उपस्थित है तो यह प्रोटीन का निर्माण करती है, जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है वह प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण, और जो स्मूथ या चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है यह लिपिड का या वसा का निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है। यह मुख्यतः अपन को अंतर्द्रवी जालिका में अपन को ध्यान रखना है, पोर्टर ने इसकी खोज की है, यानी वैज्ञानिक है पोर्टर जिसने अंतर्द्रवी जालिका की खोज की, और केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य एक नेटवर्क के रूप में पाई जाती है, कोशिका कंकाल का निर्माण करती है और अंत कोशिकीय परिवहन का कार्य करती है। ईआर दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और दूसरी है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं और यह प्रोटीन का निर्माण करती है, राइबोसोम जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका उन पर उपस्थित होते हैं और यह वसा का निर्माण करती है। यह मुख्य बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है किसमें, अंतर्द्रवी जालिका। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है उसके बारे में, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा, लाइसोसोम को अपन पाचक काय भी कहते हैं, यानी यह पाचन का कार्य करता है, इसे अपन क्या कहते हैं, पाचक काय भी कहते हैं, और जो लाइसोसोम है वह एकल झिल्ली युक्त युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और जो लाइसोसोम है वह पाचन का कार्य करता है मुख्यतः, इनमें मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं, उनके कारण ये क्या करता है, पाचन का कार्य करता है, यह
कोशिका में, यह कोशिका में अपशिष्ट का निस्तारण का कार्य करता है। यानी जो लाइसोसोम है वह कोशिका के अंदर जितना भी अपशिष्ट है उनको सरल भागों में तोड़कर उनका क्या करता है, निस्तारण करता है। और जब कोई कोशिका के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है तो ये लाइसोसोम उसमें फट जाती है और संपूर्ण कोशिका का ही पाचन कर लेती है। अतः इसे अपन लाइसोसोम को अपन क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यह कोशिका में विकार उत्पन्न होने पर यह कोशिका में विकार उत्पन्न होने पर क्या करती है, कोशिका में फट जाती है, कोशिका में फट जाती है और संपूर्ण कोशिका का पाचन कर लेती है। संपूर्ण कोशिका का पाचन कर लेती है। संपूर्ण कोशिका का पाचन कर लेते हैं, अतः इसे अपन आत्मघाती थैली कहते हैं। अतः इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यह मुख्य बातें हैं जो लाइसोसोम के बारे में, और अपन को ध्यान में रखना है कि यह एकल झिल्ली द्वारा आवरित होता है और ये कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट है उसका निस्तारण का कार्य करता है। और ये कोशिका के अंदर विकार उत्पन्न होने पर या कोई रोग उत्पन्न होने पर यह क्या करता है, कोशिका के अंदर फट जाता है और संपूर्ण कोशिका का ही पाचन कर लेता है। यह थी लाइसोसोम के बारे में मुख्य बातें। अपन को केवल इसके अंदर जो मुख्य बात है, एक तो एकल झिल्ली द्वारा युक्त कोशिकांग है और इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग्स इन्हें कहा जाता है। ये अपन को मुख्य ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो एकल झिल्ली युक्त कोशिका है उसके बारे में। फिर अपन बात करते हैं रिक्ति का भी। रिक्ति का, अब देखिए रिक्ति का भी क्या है, एकल झिल्ली युक्त कोशिका है, एकल झिल्ली युक्त कोशिका रिक्तिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे अपन ट्रोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी जो रिक्तिका है उस वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और इस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं, एक विशेष नाम देते हैं, ट्रोनोप्लास्ट। रिक्तिका पर पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए जो रिक्तिका होती है वह पादप कोशिकाओं में तो बहुत बड़ी, जबकि जंतु कोशिका है उसमें छोटी पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका यानी जो पादप कोशिका है उसका 50 से 90% भाग तो क्या होती है, रिक्तिका होती है। जबकि जो जंतु कोशिका या जंतु सेल है, जंतु कोशिका में छोटी पाई जाती है। और जो रिक्तिका होती है वह मुख्यतः संग्रहण का कार्य करती है। संग्रहण
का कार्य करती है, यानी ये संग्रहणीय अपन बोल सकते हैं संचय का कार्य करती है। अब देखिए जो रिक्तिका है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे खादी रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, इस प्रकार रिक्तिकाएं पाई जाती है अलग अलग जीवों में। मुख्यतः तो अपन को रिक्तिका के बारे में ध्यान रखना है कि यह एकल कोशिका, एकल झिल्ली युक्त कोशिका होती है, और इसकी जो एकल झिल्ली है उसे अपन क्लोनोप्लास्ट कहते हैं। और रिक्तिका में जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती है, यानी जो कोशिका का मैक्सिमम भाग है वो पादप कोशिका का, वो उसमें रिक्तिका ही होती है, यानी 50 से 90%, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी होती है। फिर अपन नेक्स्ट जो कोशिकांग है उसके बारे में बात करते हैं, राइबोसोम। देखिए राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, और यह जो राइबोसोम है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम की, जो झिल्ली रहित कोशिकांग है ये आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है, राइबोसोम, राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम की अपन बात करें तो इसकी खोज की अपन बात करें तो पेलाडे ने 1800 इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, पेलाडेकरण भी कहते हैं, इसे पेलाडेकरण कर्ण भी कहा जाता है। और यह कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग। इसे पेलाडेकरण भी कहा जाता है और सबसे छोटा कोशिकांग है। अपन राइबोसोम के बारे में और बात करें तो राइबोसोम यह आरआरएनए व प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यह आरआरएनए व प्रोटीन से बना होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है वह है प्रोटीन निर्माण का। अपन कार्य की बात करें तो इसका मुख्य जो कार्य है वो है प्रोटीन निर्माण का, अतः इसे अपन कोशिका का इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, कोशिका का इंजन तथा प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब देखिए राइबोसोम खोज किसने की, पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और पेलाडे इसे इस कारण क्या कहा जाता है, पेलाडेकरण भी कहा जाता है, सबसे छोटा कोशिकांग है। यदि इसका जो आकार अपन देखें तो 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम इसका जो साइज है वह है, और यह आरआरएनए वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है वह कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का है, और यह क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री भी अपन कहते हैं। फिर अपन देखते हैं राइबोसोम, राइबोसोम के प्रकार के बारे में अपन देखें तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है तो यह अपन को ध्यान रखना है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिटरेस राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर पाया जाता है, और लव के अंदर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और ये किस में पाया जाता है, लवक के अंदर पाया जाता है।
और दूसरा जो राइबोसोम है वह होता है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम की अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक में तो क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका है, यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें 80S जो राइबोसोम है वो पाया जाता है। और इसके अलावा अपन बात करें तो 70S राइबोसोम भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जो 80S राइबोसोम है वह मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। जो राइबोसोम है वह कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, 70S राइबोसोम वो 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया लवक में पाया जाता है, जबकि जो 80S राइबोसोम है वह यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ये मुख्य बातें हैं जो अपन को राइबोसोम के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर अपन बात करते हैं तारक कार्य, यानी झिल्ली रहित कोशिका से आपको पूछा जाए तो झिल्ली रहित कोशिका है राइबोसोम और तारक कार्य। अब देखो तारक कार्य मुख्यतः तो जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारक काय, तारक काय की अपनी बात करें तो यह भी झिल्ली रहित कोशिकांग है और यह मुख्यतः तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में उपस्थित कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में सामान्यतः क्या होता है, पादप कोशिका में अनुपस्थित। अब देखिए जो पादप कोशिका है उसमें अनुपस्थित तो है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप जो निम्न पादप होते हैं शैवाल वगैरह उनमें ये उपस्थित होता है। अपवाद जो निम्न पादप है पादपों में उपस्थित। अब देखो जो तारक काय है उसका जो मुख्य कार्य है वह कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। कार्य अपन देखें तो यह कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्या करता है, तर्कु तंतु का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। मुख्य कार्य क्या है, तर्कु तंतु का निर्माण करता है कोशिका विभाजन के समय। इसी कारण ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका कोशिका में पाया जाता है। और जिस समय जंतु कोशिका का जो विभाजन होता है उस समय ये क्या करता है, तर्कु तंतु का निर्माण करता है। और प्रत्येक तारक काय के अंदर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, प्रत्येक तारक काय में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं। ये मुख्य बात अपन को ध्यान रखनी है किसमें, तारक काय के अंदर। अब देखिए जो अपन के कोशिकांग थे एकल झिल्ली युक्त व दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग वो अपन के यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब सेल के अंदर केवल अपन को यूकैरियोटिक सेल के प्रकार जंतु कोशिका व पादप कोशिका के अंदर जो अंतर है वो पढ़ने हैं, और थोड़ा बहुत अपन को पढ़ना है कोशिका विभाजन के बारे में, बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, जितना सेकेंड यूनिट में आता है उतना नहीं। केवल अपन को जो जंतु कोशिका के अंदर जो विभाजन है वह और अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर जो अंतर है वो अपन को देखना है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद जय भारत।